तो भाई लोग, एमसीयू का पहला ऐसा कंटेंट आ रहा है जिसकी हाइप एकदम मर चुकी है। इंडियन ऑडियंस को तो पता तक भी नहीं है, कितनों को तो इस वीडियो से पता चल रहा होगा कि सीक्रेट इन्वेजन का पहला एपिसोड आ चुका है, जिसे मैं कहूंगा कि इन्होंने अपने पहले एपिसोड के एंड में काफी बड़ा शॉकर दिया है, बहुत भयंकर था। मगर ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है इस पूरी सीरीज का, उस बयान पे किसी पे भी और किसी भी इवेंट पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि अपने एजेंट प्रेस्कॉट CIA के हैंडलर एवरेट रॉस को भाई एक शॉकिंग रेवलेशन के कॉन्टैक्ट करते हैं, जहां एक नई इंफॉर्मेशन सरफेस होती है कि हमारे सिक्योरिटी में बैठे लोग, कई सारे लोग एक्चुअली में स्क्रल्स हैं, वही अपने शेप शिफ्टिंग वाले एलियंस। बताता है कि कैसे वो सीक्रेटली इंसानों के बीच में रह रहे हैं, कैलकुलेटेड तौर से टेररिस्ट अटैक्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। और हालांकि शुरू में तो भाई रॉस इनिशियल इंफॉर्मेशन को निग्लेक्ट कर देता है और प्रेस्कॉट उस पर अटैक कर देता है, जहां सेल्फ डिफेंस में रॉस को उसे मारना पड़ता है। मदद की तलाश में रॉस के पीछे एक बंदा पड़ जाता है, जिसे आगे चल के मारिया हिल और भाई अपने तालोस बजा हैं, जो कि आगे चल के निक फ्यूरी के ट्रस्टेड एलाइज बनेंगे। जो कि उसी सीन के दौरान में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा रास का खुलासा होता है कि रॉस भी एक स्क्रल था एंड वे अपने आने वाले सबसे बड़े थ्रेट के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो कि अब मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज करके बताऊं तो कैप्टन मार्वल के इवेंट्स के बाद फ्यूरी और कैरल ने स्क्रल्स को एक नया घर ढूंढने में प्रॉमिस किया था, मगर थानोस के दी ब्लिप के बाद चीजें बदल गई। कुछ लोग इन चीजों को भूल गए, कुछ लोग मूव ऑन कर गए, मगर कई सारे स्क्रल्स आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें बस अब हमारा घर दिख रहा है, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि स्क्रल्स ट्रेड फील कर रहे हैं और ग्रेविक जैसे जवान और एंग्री स्कल्स अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाए हुए हैं न्यू स्क्रलॉज नाम से, जहां से वो अपने टेररिस्ट प्लान्स बनाते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज करते हैं। एंड जब करंट US प्रेसिडेंट को पता चलता है कि फ्यूरी सेबर छोड़कर अर्थ पे वापस आ चुके हैं, हाल ही में मॉस्को में हुए धमाके को अमेरिकन्स का उसका जिम्मेदार समझा जा रहा है, तो अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का माहौल बहुत ही गर्माया हुआ है। फ्यूरी शुरू में ही सोनिया के साथ रीयूनाइट होता है, जहां दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हुए अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एंड सोनिया कह सकते हो कि काफी है अपने तरीके से स्क्रल्स को हंट करती है वो, जहां एपिसोड का एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिक एंड होता है, बहुत ही शॉकिंग है, जिसमें मारिया हिल ग्रेविक के डिस्गाइज के थ्रू मारी जाती है, जिसकी वजह से फ्यूरी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और हमें स्क्रल्स के असली थ्रेट के बारे में महसूस होता है। तो एज अ फर्स्ट एपिसोड होने के नाते मैं ये बोलूंगा कि ये अच्छा था। एमसीयू में हमें एक फ्रेश नया नैरेटिव देखने को मिलता है, जो कभी हमने पिछली बार विंटर सोल्जर में देखने को मिला था। एपिसोड शुरू तो काफी स्लो होता है, मगर धीरे धीरे अपना पेस पकड़ लेता है। इन्होंने अपनी कहानी ग्राउंडेड बनाई हुई है, जो हमें शुरू में टायलोस, उसकी बीवी सोरेन का ऑलरेडी मर जाने के बारे में पता चलता है, फिर उसकी बेटी गाया, भाई एमिलिया क्लार्क जो उसे प्ले कर रही हैं, अपने फादर डॉटर वाले फ्लॉड रिलेशनशिप को भी काफी ग्राउंडेड रहकर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि गाया उन न्यू स्क्रलॉस के लिए काम करती है, जो कि वही अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रेफ्यूज और वॉरियर बेस है। शुरू में ही गाया का अपना बाप से मिलना फील तो ये होता है कि भाई बेटी फाइनली अपने बाप से एक हो गई, मगर भाई वो उनके साथ खेल रही थी, वो उनका भाई ध्यान भटका रही थी। जिसपे मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा टेंस तो नहीं होता है, मगर कुछ नया देखना अच्छा लगता है। एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग तो नहीं है, मगर अपनी नैरेटिव की इज्जत करते हुए अपना काम कर देते हैं। जहां पे इसकी सिनेमेटोग्राफी से अगर इस सीरीज के टोन को मैच करते हुए इसे देखें, तो इट लुक्स लाइक कि दे वांट टू गो डार्क, मगर उस डार्क कॉन्स्पिरेसी के एबिस में भाई वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर नहीं पाते। जहां वो शो का मेन कोर थीम है ट्रस्ट इशूज, एंड जहां वो ट्रस्ट इशूज आपके सामने सरप्राइजिंगली आते तो है, मगर वो काफी रश फील होता है, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर बिल्डअप नहीं होता, सिवाय अपने बहुत ही पुराने दिल के करीब मारिया हिल जैसे कैरेक्टर्स को छोड़कर। जिसपे से ओवरऑल मैं बोलूंगा पोटेंशियल है अभी भी सीरीज में, पहले एपिसोड को देखते हुए, जहां एमसीयू के लिए एक नया टेस्टिंग ग्राउंड भी बन सकता है कि रूसो ब्रदर्स एंड क्रिस्टोफर मार्कस एंड स्टीफन मैकफ्लाई के ना रहने पे भी कि क्या एमसीयू खुद के पैरों पे भी डार्क कहानियों को प्रेजेंट करने में काबिल है कि भी नहीं। ये एपिसोड अपनी नाव को खोल तो दिया है शुरू में, बस अब ये देखना बाकी है कि इस हीरोलेस कहानी में इसका सफर कैसे आगे बढ़ता है। ये कहानी उन टिपिकल मार्वल शोज की तरह ना बन के रह जाए कि भाई शुरू के बस 5 एपिसोड में नैरेटिव एंड एक्सपोजिशन ही चल रहा है होपलेसली, एंड फिर आखिरी के एपिसोड में जल्दी-जल्दी करके सारी चीजें निपटाने लगे, के बाद हमें सीधे सीक्रेट वॉर्स में स्क्रल्स के बारे में कुछ देखने को मिलेगा। तो डर तो यही है कि कहीं ये पूरी कहानी उन पुराने मार्वल शोज की तरह ना बन के रह जाए कि वो लॉलीपॉप हमें दे दें जिसे आने वाले 4 सालों तक चूसना। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुमने सीक्रेट इन्वेजन का ये पहला एपिसोड देखा है कि नहीं, और अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, गुड एनफ तो है। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, और इन सारी बातों के साथ साथ एक्सट्रैक्शन 2 मूवी भी आ चुकी है, जिसके लिए मैंने अपनी इस वाली वीडियो में सारी चीजें कवर की हैं, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ Explain।